2007 में शादी हुई और पहली डिलीवरी के हिसाब से हमने पहले दफ़े जांच तो नहीं करवाई। 8 महीने तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन 9वें महीने में काफ़ी तकलीफ बढ़ गई तो हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले अब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या तकलीफ बढ़ गई थी उनको? उनको तकलीफ थी, उठने बैठने की तकलीफ हो गई थी, पेट काफ़ी बड़ा हो गया था और चलने फिरने में तकलीफ होने लगी थी। और उसके अलावा है तो 8 दिन का बेड रेस्ट ले लिए थे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोल दिया था जी। उसके बाद तो डॉक्टर, सभी डॉक्टर जो अपने गांव के थे, वो बोले कि यार ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ना करवाते हमने एक डॉक्टर को बोला तो मान गए और उसके बाद तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी किए, लेकिन वो पेट में से 5 लीटर पानी निकला, हरा पानी वो भी, और बच्चा जो है एबनॉर्मल नहीं था। एबनॉर्मल मतलब? एबनॉर्मल मतलब कि उसके उसके हाथ पाँव की हड्डी जो है वो टेढ़ी थी, रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी थी और सर में एक सुराख था, सर भी काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद तो हमने फिर बच्चा जिंदा था कैसा? बच्चा जो है इंतकाल हो गया था। अच्छा। उसके बाद हमने दूसरे 2-4 महीने बाद हमने फिर डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद फिर हमने, ये कौन से साल की बात है? 2009 में डॉक्टर से इलाज करवाया हमने। उसके बाद 4 महीने तक का तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, लेकिन 5वें महीने में फिर वही तकलीफ हो गई। तो वो डॉक्टर ऐसा बताया कि भाई तुम्हारी शादी जो है वो रिश्ते में हुई है, इंगेज तुम्हारी शादी जो है रिश्ते में हुई है, इसलिए बोले तुमको नॉर्मल बच्चा बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम आगे तुमको तकलीफ ना हो, इसलिए तो वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखे 5वें महीने में, तो बोले कि यार तुम बच्चा जो है वो अंदर वापस वही शिकार हो गया है, उसके हाथ पांव की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो गई है, पेट में पानी भर गया है, सर बड़ा हो गया है, सर में सुराख हो गया है, इसलिए तो तुमको अबॉर्शन करना पड़ेगा और तुमको काफ़ी इलाज करवाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने 5वें महीने में अबॉर्शन का बोले, फिर आपने क्या किया? हमने अबॉर्शन करवा लिए क्योंकि उसके अंदर है तो वाइफ की जान को खतरा था। अच्छा। अबॉर्शन करवाने के बाद हमने तीसरे बच्चे के लिए हमने काफ़ी इलाज करवाया 4-6 महीना। ये कौन से साल में हुआ? 2010 में। अच्छा। 2010 में हमने काफ़ी इलाज करवाया, उसके बाद डॉक्टर के कहने पर हमने हमल ठहराया, लेकिन 8 महीने तक का तो सब ठीक था, सब रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, लेकिन 9वें महीने में फिर वापस वही तकलीफ हुई, पेट में पानी का भरना, हाथ पांव की हड्डी टेढ़ी होना और सर में सुराख, ये वापस तकलीफ पड़ी। डॉक्टर भी वही बोला कि यार ये वापस तकलीफ पड़ गई, अब तुमको अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा और बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर इंतकाल हो गया ऐसा। अच्छा। ये तीसरी बार भी ऐसे हुआ, ये 2010 की बात? 2010 की बात है। अच्छा। फिर हमने अखबारों के जरिए डॉक्टर अनवर अमीर साहब का मुतालिया किया, रीड किया, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया। डॉक्टर साहब ने बोले कि ठीक है यार दोनों मियां बीवी आके मुझसे मिलो, फिर मैंने और बीवी ने आके 2011 में डॉक्टर साहब से मुलाकात की। डॉक्टर साहब ने दिन भर के हिसाब से 2-3 घंटा हमारा ट्रीटमेंट किया, उसके बाद तो 2 साल का इलाज का बोला, इलाज का बोले, हमने इलाज किए 2 साल में, थोड़ा कुछ कम था, फिर डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट जांच के वास्ते बोले, जांच की रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमारे वहाँ बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू हुआ और उसके बाद 9 महीने बाद हमने अपने गांव में रह के इलाज करवाया एक अच्छे डॉक्टर से और अल्लाह का करम है। कौन से डॉक्टर से गांव में, कौन से डॉक्टर से मिले आप? गांव में जो स्पेशल जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, लेडीज डॉक्टर हाँ, उनके अंडर में हमने 9 महीने इलाज करा और डॉक्टर साहब अनवर अमीर का कहना था कि भाई
तुम अपने गांव में रह के ही डिलीवरी करवा लो। तो ये डिलीवरी के 9 महीने लेडीज डॉक्टर को मिले थे ना? हाँ, लेडीज डॉक्टर को बोले थे, तो डिलीवरी के हमाल के दौरान पूरा हमने लेडी डॉक्टर से इलाज करवाया और उन्हीं के कहने पे हमने वहाँ पर डिलीवरी करवाई। ये कौन से साल की बात है? ये 2011। मतलब यहाँ से आप गए तभी वो लेडीज डॉक्टर को आप मिले, उसके पहले ही वो प्रेग्नेंट रह चुके थे? लेडीज डॉक्टर को आप प्रेगनेंसी के बाद मिले या पहले? लेडीज डॉक्टर को हमने प्रेगनेंसी के बाद मिले। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद हमने लेडीज डॉक्टर से इलाज किए और हर महीना पूरी जांच रिपोर्ट सोनोग्राफी वगैरह सब नॉर्मल थी। 8-9 महीना पूरी एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आई और उसके बाद हमने डिलीवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम नॉर्मल और अच्छे बच्चे के साथ। ये कौन से साल की बात है जो पहला नॉर्मल अच्छा बच्चा हुआ आपको? ये 2011 में एकदम अच्छा नॉर्मल बच्चा हुआ। 2011 में आपने ट्रीटमेंट चालू कराई? हाँ, सॉरी 2011 में हमने ट्रीटमेंट साहब चालू करवाई और 2 साल हमने डॉक्टर साहब का इलाज किया। 2013 में मुकम्मल हुआ और 2014 में 9 महीना पूरा इलाज करके 2014 में हमको पहली बच्ची एकदम नॉर्मल अंदाज में हुई मालेगांव में। और उसके बाद तो 2.5 साल के गेप के बाद 2017 में एक बच्चे की भी पैदाइश हुई अल्लाह के करम से, वो भी एकदम नॉर्मल है, दोनों चलने फिरने लगे हैं और कोई बात का मुझे वो नहीं है, दांत होती एकदम अच्छे से निकल गया है। पहली बच्ची जो है 2014 में जिसका आमद हुई थी दुनिया में, वो तो अभी स्कूल में जाने लगी है जूनियर के जी। और दूसरा बच्चा? दूसरा बच्चा अभी 1.5 साल का है, वो भी हंसता खेलता मुस्कुराता, उसके भी दांत आ गए हैं, चलना फिरना भी हो गया उसका। तो डॉक्टर अनवर आमिर के यहाँ से ट्रीटमेंट कराने के बाद से क्या आपको रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मिला? मुझे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उनके हाथ में शफा रखी है और मेरी दुआ है कि उनके हाथ से पूरी दुनिया फैज उठाए। थैंक यू।